हमारे आपके घरों में जब भी कोई बिस्किट का नाम लेता होगा तो हमारे दिमाग में अनायास ही एक नाम जरूर आ जाता होगा। वो नाम है पार्ले जी का। पार्ले जी जिसे हम और आप खाकर बड़े हुए हैं, वही पार्ले जी जिसे खाकर हमारी पिछली पीढ़ी जवान हुई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि पार्ले जी बिस्किट के पैकेट पर जिस बच्ची की तस्वीर है, आखिर वो है कौन? आज इस वीडियो में हम आपको उसी बच्ची की कहानी बताएंगे, साथ में बताएंगे वो कहानी जिसकी वजह से इस बच्ची की तस्वीर पार्ले जी के पैकेट पर बन गई। इससे पहले मैं आपको इस बच्ची की कहानी बताऊं, आपको बता दूं कि साल 2011 में नीलसन के द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था और इस सर्वेक्षण में पाया गया था कि पार्ले जी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट भी है। यूं तो आज बाजार में पार्ले जी के कई प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन इससे मूल पार्ले जी के स्वाद में कोई बदलाव नहीं आया है। जैसा रिश्ता हमारा पार्ले बिस्किट से है, एक वैसा ही रिश्ता हमारा पार्ले जी की पैकेट पर बनी उस नन्ही बच्ची की तस्वीर से भी है। हम में से कई लोगों ने आज तक ये सोचा होगा कि आखिर ये छोटी सी बच्ची है कौन जो पार्ले के इस पैकेट पर बनी हुई है। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि यह पार्ले जी बनाने वाले मालिक की बेटी की तस्वीर है। दरअसल में इस तस्वीर के लिए 3 महिलाओं का नाम दावे के साथ दिया जाता है, जिनमें नीरू देश पांडे, सुधा मूर्ति और गुंजन गडानिया का नाम शामिल है। इस बच्ची के बारे में जानने से पहले हमें पार्ले जी के इतिहास के बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए। बता दें कि पार्ले जी की शुरुआत साल 1929 से की गई थी। दरअसल में मुंबई में रहने वाले एक चौहान परिवार ने पार्ले नामक एक कंपनी शुरू की और साल 1939 में पार्ले ने भारत में बिस्कुट बेचना भी शुरू कर दिया। अपने व्यवसाय के शुरुआती दिनों में पार्ले जी पार्ले ग्लूको नाम से आया करता था, मगर 1980 के बाद इसका नाम बदलकर पार्ले ग्लूको की बजाय पार्ले जी कर दिया गया। लंबे समय से जी अक्षर ग्लूकोज के लिए कम जाना जाता था, लेकिन कुछ समय बाद कंपनी ने बिस्कुट का विपणन टैगलाइन पार्ले जी जी माइन जीनियस के साथ कर दिया। बिस्किट के पैकेट का रंग शुरू से ही सफेद और पीला रहा है और इसके साथ ही इस पैकेट पर दिखने वाली बच्ची की तस्वीर आज भी वही है। बता दें कि इस बिस्किट के कवर पर जिस बच्ची की तस्वीर है, असल में वो नीरू देश पांडे की तस्वीर है और नीरू देश पांडे की तस्वीर इस पैकेट पर छपने की भी लंबी कहानी है। क्या है वो कहानी, जानते हैं। दरअसल में नीरू देश पांडे जब 4.5 साल की थी तब उनके पिता ने यह तस्वीर खींची थी। यूं तो वह एक पेशेवर फोटोग्राफर नहीं थे, मगर सभी को ये फोटो बेहद पसंद आई। उसी दौर में यह तस्वीर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ली गई थी जिसके उस समय पार्ले जी के साथ अच्छे संबंध थे। इस तरह उन्हें पार्ले के पैकेट पर उसे फीचर करने का मौका मिल गया। जब पार्ले जी के मालिक को यह तस्वीर दिखाई गई तो उन्हें भी ये तस्वीर बेहद पसंद आई और उन्होंने जरा भी देर ना करते हुए इन्हें अपने बिस्किट के पैकेट पर लगा लिया और इस तरह से नीरू देश पांडे की यह तस्वीर पार्ले जी पर हमेशा हमेशा के लिए चस्पा हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए leloram.com। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे श्याम पटेल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।